हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर का कटलेट, जो खाने में टेस्टी लगेगा और बहुत ही मैं इजी तरीके से बनाऊंगी, जो सबको पसंद आएगा। अगर आपकी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी तक आप लोग ने वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा देखें और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ मैंने गैस पर पैन रखा और इसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है, तो हमें इसे बॉयल करना है। तो मैंने यहाँ पर एक ही गिलास पानी डाला और इसमें मैंने पालक को अच्छे से धोकर इसमें डाला है, तो इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। तो मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मटर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास मटर है तो आप इसमें डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा ऐसे भी कटलेट बना सकते हैं। और एक मैंने इसमें हरा मिर्च भी डाला है। तो मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देती हूँ, ऐसे मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका लेती हूँ। यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और ये अच्छे से बॉयल हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर यह है, ठंडा हो गया है, तब मैं इसे मिक्सी में डाल लेती हूँ। और डालने के बाद इसका जो पानी है मैं इसे अलग रख दूँगी। इसमें आप नमक मिलाकर इसे आप पी भी सकते हैं। पालक में तो आयरन बहुत होता है और सेहत के लिए भी फायदे है, तो आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं। अगर नहीं पीना है तो आप इसे सब्जी या आटा में गूँथ लीजिएगा। तो मैं इस पानी को साइड में रख देती हूँ और मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल ही मैंने पतला पीसा है। तो मैंने पीसते वक्त बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला था, आप भी इसमें पानी वगैरह कुछ ना डालें, बिल्कुल ऐसे ही इसे पीसना है। तब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ आलू। मैंने बॉयल आलू को कद्दूकस करके डाला है, अगर आप ऐसे भी डालना चाहते हैं तो अच्छे से इसे मसल कर डालें, बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह कुछ भी ना रहे। और इसमें मैंने एक छोटा कटोरी से पनीर डाला है और ये मैंने कद्दूकस किया हुआ है, एक छोटा चम्मच अदरक डाला है और इसमें मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसमें मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ और ये मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है और ये मैंने आधा चम्मच चाट मसाला डाला है और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। आप चाहे तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर चाट मसाला नहीं हो तो। अब मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया, मिक्स करते वक्त मैंने बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। अगर आपका हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप तेल लगाकर इसे मिक्स कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। और थोड़ा थोड़ा मिश्रण को मैं इस तरह से लेकर और इसे मैं काटलेट का शेप दे रही हूँ, ये देखिए इसे इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा सा गोल कर लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बार में ही सारा बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है और एक एक करके इसमें कटलेट को डालते जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे कटलेट को डाल दिया है, तो इसे मैं बिल्कुल ही कम गैस पर पकाऊंगी। अगर गैस ज़्यादा रखूंगी तो ये अंदर तक कच्चा ही रह जाएगा, बिल्कुल भी ये पकेगा नहीं, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे इसी तरह से कम गैस पर ही उलट पलट कर मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी इसे खा कर देखिए और मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए।
आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।